शहनूज लियावी साहब, युवा जिलाध्यक्ष आबिद एडवोकेट साहब, खालिद मलिक साहब, जुबैर अंसारी साहब और मजलिस के नुमाइंदे तनवीर चौधरी साहब और स्टेज पे तशरीफ फरमा। उत्तर प्रदेश की सरजमी से उत्तर प्रदेश कमेटी के मेंबर मेरे भाई सलाब चौहान और बिजनौर की सरजमी से तशरीफ लाए हाकिम अब्दुल सलाम साहब, पाशा साहब और स्टेज पर बैठे तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान और मजलिस की मोहब्बत में यहाँ पर आए मेरे मोहतरम साथियों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है मेरी माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये एक इंतखाबी जलसा रखा गया है मेरा भाई और इंतखाबात का दौर है, चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का और आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं मेरे भाई। मैं जब यहाँ से जाऊं मेरे भाई तो मैं चाहता हूं कि आप यहां से एक सोच लेकर जाइए, एक फिक्र लेकर जाइए, एक जुनून लेकर जाइए, एक जज्बे को लेकर जाइए ताकि आपके सोच और फिक्र के साथ और जुनून के साथ और उस जज्बे के साथ जब मजलिस के नुमाइंदे कामयाब हो तो आपकी नुमाइंदगी कर सके, आपके हक और इंसाफ के लिए लड़ सके, आपके हकूक के लिए लड़ सके मेरे भाई। मैं अब अपनी बात शुरू करता हूं मेरे भाई, मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा जो मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं मेरे भाई। मेरा वो कौम जो 70 सालों से बदहाल है मेरे भाई, मैं अपने कौम की तुम्हें दास्तां सुनाता हूं कि मेरा वो कौम जो कभी सोता नहीं था, मेरा वो कौम जो कभी सोता नहीं था कि समझो शहर में कभी अंधेरा होता नहीं था, खुशियों की हंसी कभी सोने देती नहीं थी कि समझो कभी रात होती नहीं थी, बस्तियों में खुशहाली थी भाईचारा था, बस्तियों में खुशहाली थी भाईचारा था, लेकिन शायद दुश्मनों को यह नहीं गवारा था, इसलिए हमारे लिए एक ऐसी साजिश रची गई कि लाशों की बारिश होने लगी, उजड़ता रहा कौन का मुस्तकबिल और मौत घर घर में जाकर नाची, मौत घर घर में जाकर नाची, चारों तरफ गुप अंधेरा, चारों तरफ गुप अंधेरा, सोचा बचेंगे तो फिर कल देखेंगे सवेरा, सोचा कि बचेंगे तो फिर कल देखेंगे सवेरा। और हिंदुस्तान में, इस हिंदुस्तान में दहशत का ऐसा आलम छाया, दहशत का ऐसा आलम छाया कि मेरे मासूम बच्चों पर ही वो दहशत का इल्जाम आया और मारने वाला दहशत कहलाया और मरने वाला दहशतगर्द कहलाया। माँ 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 अब अपने बच्चों को छुपाने लगी है, माँ अब अपने बच्चों को छुपाने लगी है, उसे चूमती रहती है, उसे प्यार करती रहती है और नजीब के किस्से सुनाने लगी है। बेटा बेटा अपने बाप से कहता है कि अब्बा अब्बा घर में गोश्त मत लाना, अब्बा अब्बा तुम घर में गोश्त मत लाना, कहीं तुम्हें भी ना मार दे अखलाक की तरह ये जमाना, कहीं तुम्हें भी ना मार दे अखलाक की तरह ये जमाना। बेटी अपने बाप से कहती है अब्बा अब्बा तुम दूर मत जाना, अब्बा अब तुम दूर मत जाना। वो बेचारी बेटी दहशत और खौफ से पहलू खान के बारे में अपने अब्बा को बताने लगी है। बेटा अपनी माँ से कहता है अम्मी अम्मी मुझे अपनी आंचल में छुपा लो, अपने आगोश में छुपा लो, कहीं जुनैद की तरह मुझे मारना दे ये जमाना। और मेरा भाई, हमारी बहन अपने भाइयों से कहती है भाई भाई अब तो डर लगता है, भाई अब तो डर लगता है गुजरात और मुजफ्फरनगर के फसाद को देखकर, देखो ना भाई जालिम की निगाहें हम पर टिकी है, अगर अब फसाद हुआ तो लूट लूट कर नोचेगा मुझे ये जमाना। लेकिन मेरे भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो खामोश है। एक माँ रोडों पर चीखती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, तड़पती रही, अरे कोई मेरे बेटे को ना दो, कोई मेरे बेटे को ना दो, लेकिन हम तो खामोश है, हम किसी की आवाज नहीं बन सकते। एक बेटे के सामने उसके बाप को पीटा जा रहा था और बेटा चिल्ला रहा था कि मेरे बाप को बचा लो, मेरे बाप को बचा लो, लेकिन सालिमों की तरंदगी देखो, उसके बाप को घसीट घसीट कर मारा, उसे तड़पा तड़पा के मारा, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो खामोश है मेरे भाई, हम आवाज नहीं बन सकते। एक बेटी चीख चीख कर कह रही थी कि अब्बा अब्बा मेरी टोली कौन उठाएगा, अब्बा अब्बा मेरी टोली कौन उठाएगा, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी का बाप मरता है, हम तो खामोश है, हम क्यों किसी की आवाज बनेंगे। मेरे भाई अगर आज तुम आवाज नहीं बनोगे
खामोश रहोगे तो हिंदुस्तान के अंदर याद रखना ताली के नाम पर पीटे जाओगे, टोपी के नाम पर पीटे जाओगे और गाय के नाम पर पीटे जाओगे, क्योंकि मेरे भाई जब तक तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं आएगा, इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम होते रहेंगे। हम रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बिरखते रहेंगे, लेकिन कोई हमारी आवाज नहीं होगा। मेरे भाई आज, मेरे भाई आज मैं उत्तर प्रदेश की सरजमी पर खड़ा हूं और मुझे वो दिन याद आता है, आने वाला है अगले महीने, जब ये खबर मिली कि 1992 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और ये भगवा आतंकी बाबरी मस्जिद के खामोश गुंबदों पर नंगा नाच कर रहे थे और उनको शाबाशी देते हुए अडवाणी, कटिहार और जोशी की जालिम की तस्वीरें, और मेरे भाई बाबरी मस्जिद को शहीद कर वो भगवा आतंकी उस टुकड़े को, उन ईंटों को ऐसे उठा रहे थे जैसे मानो बहुत बड़ा इनाम हासिल कर लिया हो, और हुकूमत कांग्रेस खामोश होकर तमाशा देख रही थी। वक्तारी वजीर आजम नरसिम्हा राव खामोश था, कल्याण सिंह तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई तुम्हारी आवाज ना बना। लेकिन मेरे भाई वो बाबरी मस्जिद शहीद होने से पहले तुम्हें बता रही थी कि मुसलमानों मेरी शहादत तुम्हारे लिए इत्तेहाद का पैगाम है। वो बाबरी मस्जिद की गुम्बद की सिस्कियां, वो बाबरी मस्जिद की ईंटों की तड़प, वो बाबरी मस्जिद के मुसल्लों की पुकार, वो बाबरी मस्जिद की चौखट की आवाजें तुमसे पुकार पुकार कर कह रही थी, अरे मस्जिद अक्सा के गुनहगारों को तो अलसलाउद्दीन अय्यूबी ने सजा दे दी थी, लेकिन बताओ बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को सजा कौन देगा? मेरे भाई वो बाबरी मस्जिद तुमसे सवाल कर रही थी कि मुसलमानों मेरी शहादत को इतने साल हो गए, वो बाबरी मस्जिद तुमसे सवाल कर रही है, अगर तुम अल्लाह की इबादत करने का दावा करते हो तो दिलाओ मुझे इंसाफ और इन जालिमों के आगे मुझे फिर से तामीर करो। वो बाबरी मस्जिद तुमसे सवाल कर रही है, अगर तुम उम्मत ये नबी होने का दावा करते हो तो दिलाओ इंसाफ उस माँ को, उस बच्चे को, उस बेटी को जिसको मेरी शहादत के वक्त कत्ल कर दिया गया। मेरे भाई बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क में चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। जब उम्मत मुस्लिमा ने एहतजाज करा मेरे भाई तो पुलिस की गोलियां तैयार हो गई हमारे छाती और सरों पर चलने के लिए, और खासकर जब मुंबई में हमारे लोगों ने एहतजाज किया तो हुकूमत कांग्रेस के दौर में हमारे नौजवानों पे, हमारे लोगों पे, सरों और छातियों पे गोली चलाई गई, हमारी मां बहनों को नंगा दौड़ाया गया और कांग्रेस तमाशा देख रही थी। मेरे भाई मुंबई के फसाद के बाद, मेरे भाई जब श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आती है तो श्री कृष्णा कमेटी कहती है कि बाल ठाकरे कातिल है, शिवसेना जिम्मेदार है, लेकिन अगर इसको किसी ने खुली छूट दी तो वो कांग्रेस पार्टी थी मेरे भाई। और आज तुम उसी पार्टियों के पीछे उसका नारा लगाने लगते हो। मेरे भाई आज तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं, इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। आज तुम्हारे अंदर इत्तेहाद आ जाता मेरे भाई तो देखते उत्तर प्रदेश के सरजमी के ऊपर उसी जगह पर हम फिर से बाबरी मस्जिद को तामीर करते मेरे भाई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बन गई जिसके ख्वाब थे, जिसके सपने थे, जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व फैलाना चाहते थे, आज वो अपनी मकसद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं मेरे भाई। लेकिन तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं, क्योंकि तुम दूसरों की गुलामी करना सीख गए, तुम दूसरों के आगे झुकना सीख गए। मेरे भाई उस दौर को याद करो, उस दौर को याद करो, वो सुलगती हुई रेत, सूरज अपनी ताबोताब के साथ चमक रहा था, लेकिन एक शख्स चेहरा पुरनूर और सर पर अमामा और जुबा पर इन्नल्लाहुम्मा साबिरीन का वीर था, कमर झुकी हुई थी, शायद अपने जवान भाई का कटा हुआ बाजू उठाया था, होठों पे कुछ पकड़ी थी, शायद कई दिनों का भूखा प्यासा था, लेकिन जुबा पर इन्नल्लाहुम्मा साबिरीन का वीर था। लेकिन सबर का पैमाना अब लवरेज होने पर था, क्योंकि हुसैन इब्न अली के हाथों में अली असगर थे। हुसैन ऐलान करते हैं, ऐ यजीदियो इस नन्हे से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे दो बूंद पानी दे दो वरना ये मर जाएगा। हुसैन तब जो जल्दी हुई रेत पर नन्हे अली असगर को लिटा देते हैं, और मेरे भाई जिस तरीके से मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है ना, वो मुंह खोल बंद करती है, इस तरीके से अली असगर के लब हिल रहे थे। ये देखकर यजीदियों के संदिग्ध फौजी भी मुंह फेर फेर के रोने लगे। ऐलान होता है, ऐ हुरमिला
कर दे, फिर होना क्या था, फिर होना क्या था मेरे भाई, कि तीन मुंह वाला ऐसा तीर चलाया जिससे वैसी जानवरों का शिकार किया जाता है ना मेरे भाई, उस नन्हे से बच्चे के ऊपर तीन मुंह वाला ऐसा तीर चलाया कि वो अली असगर के गर्दन को चीरता हुआ खाके करबला पर जा गिरा। लेकिन हुसैन है कि जुबान पर अब भी इन्नल्लाहुम्मा सागरीन का वीर थे, खेमे चलते गए, काफिला लुटता गया, संतन से जुटाते होते रहे, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा मैं मैदान करबला में एक तारीख लिखने जा रहा हूं ताकि मेरी जिंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक नमूने के तौर पर पेश हो। और मेरे भाई उम्मत मुस्लिमा सब्र के सामने खड़े होकर उसका मुकाबला करने का हौसला रखे। जब उस तड़कती धूप में जबर के सामने तन्हा खड़े हो जाना, और मुसलमानों एक दो नहीं 500,000 नहीं 22,000 यजीदियों के सामने, 22,000 यजीदियों के सामने अकेले तन्हा खड़ा हो जाना कोई मजाक नहीं था। 72 लाशों के जख्म सीने पर थे, भाई भतीजे भांजे बेटे की लाश उठा चुके थे, नन्ना अली अकबर दम तोड़ चुका था, अली अकबर की लाश उठाई थी, 72 लाशें लाइनों में पड़ी थी पिन के फन के। लेकिन जरा सोचो हमारे घर में एक मैयत हो जाती है या एक लाश गिर जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारे घरों से रोशनी छीन गई, हमारे घर में अब उजाला नहीं होगा। 72 लाशें लाइनों में खड़ी थी, लेकिन मेरा भाई जब वो नबी का नवासा मैदान करबला में तलवार को लहराता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहराता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे ये कौन जीव का रहे है, ये कौन सह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लक कटा हुआ, जिसम है छिटा हुआ फटा हुआ, फिर भी है कटा हुआ, ये नूरे नबी का ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है, ये बिल यकी हुसैन है। मेरे भाई उस जख्मी हालत में इतना जख्म जिस्म पर कि जिस्म जख्मों से चूर था, लेकिन ऐसे हालात में भी जब वो घोड़े से नीचे उतरे नमाज के लिए सजदा किया, इन यजीदियों ने उस सजदे के हालात में इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया, कलम कर दिया, और इमाम हुसैन ने कहा मैं यही तो पैगाम देने आया था, मैदान करबला में यह सर कट तो सकता है लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता। और आज मेरे भाई तुम दूसरों के आगे सर झुका रहे हो, दूसरों के आगे अपना हक मांग रहे हो, दूसरों के आगे गुलामी कर रहे हो, अपना हक दूसरे के चौखट पर मांगते हो। मेरे भाई तुम्हारे सर को ना झुकने के लिए नबी के नवासे ने अपने गर्दन को कटा दिया, और आज तुम दूसरों के आगे पीछे घूमते रहते हो मेरे भाई। अरे कभी तुम कांग्रेस का झंडा उठा लेते हो मेरे भाई, कभी कांग्रेस का झंडा उठा के नारा लगाने लगते हो कि जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस वाला जीतेगा, कभी समाजवादी का झंडा उठा लिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, समाजवादी वाला जीतेगा, कभी बहुजन समाज का झंडा उठा लिया कहते हो जीतेगा भाई जीतेगा, बहुजन समाज वाला जीतेगा, कभी किसी का झंडा, कभी किसी का झंडा, और उसके नारे लगाने लगते हो। अरे मुसलमानों नारा लगाना है तो नारा लगाओ सिद्दीक की सदाकत पर, नारा लगाओ उस्मान की सखावत, नारा लगा वाली की बहादुरी पर जो नारा उस दौर में लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। कौन कौन है ईमान वाला, कौन कौन है ईमान वाला, राहुल गांधी है ईमान वाला, हाथ खड़े करके बताओ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुल्ला मुलायम, क्या अखिलेश, मोदी, नीतीश, मायावती, कौन है आप सभी ईमान वाले? मेरा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ईमान वाला, अरबपुरदीन ओवैसी ईमान वाला मेरे भाई। तो मैं नारा लगाता हूं बुलंद आवाज में हाथ खड़े करके नारा लगाना कि कौन जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। बुलंद आवाज में मेरे भाई बताओ खतौली की सदनी पर कि मजलिस से किन खराब लेकर आई है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। ईमान वाले को जिताओ मेरे भाई, बिरादरी के नाम पर मत बटो, फिरकों के नाम पर मत पको। तुम्हारे सामने अभी उत्तर प्रदेश के असेंबली का रिजल्ट है, तुम बिरादरी के नाम पर बट गए, तुम फिरकों के नाम पर बट गए, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राज कर रही है। मेरे भाई जो मोदी के दो दूल्हा भाई तैयार कर दिए अखिलेश और मायावती ने, वो मोदी के दो दूल्हा भाई घोड़े पे होकर सवार निकले, लेकिन खच्चर पर सवार दूल्हा जीत कर निकल गया। मेरे भाई घोड़े पर
वह सवार दूल्हा नहीं जीतकर निकला मेरे भाई, क्योंकि तुम फिरके के नाम पर बढ़ गए, बिरादरी के नाम पर बढ़ गए मेरे भाई, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी कोई आवाज नहीं। आज तुमने ऐसी हुकूमत बनकर खड़ी कर दिए जो तुम्हें मिटाना चाहती है, वो नरेंद्र मोदी जो लोगों की सहन में जहन में जहर खोल रहा है, जो कहता है मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। असल मायने में मेरे भाई कोई देश वेश नहीं बदल रहा, नरेंद्र मोदी लोगों की सोच बदल रहा है। वो हिंदुस्तान में हिंदुत्व लाना चाहता है, इस्लाम को मिटाना चाहता है, और जब तक तुम्हारे अंदर त्याग नहीं आएगा मेरे भाई, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और वो हिंदुत्व पूरे हिंदुस्तान में फैला देंगे और तुम्हारा नाम निशान तक मिट जाएगा मेरे भाई। इतिहाद लाओ भाई, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज्जम हो जाओ मेरे भाई। अभी आसमान जल्दी जमीन पर नहीं आने वाला, कोई और पैगंबर यहां नहीं आने वाला। प्यास कहती है रेत निचोड़ी जाए, अब हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला मेरे भाई, अब हमारे हिस्से में समंदर नहीं आने वाला मेरे भाई। वक्त का वजीर आजम नरेंद्र मोदी, देखो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं उसके बारे में, लेकिन हम जवान गलती नहीं करते, सड़ी हुई शक्ल है लेकिन हम बोल नहीं सकते, हम सिर्फ समझ सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी कहता है कि मेरा देश बदल रहा है, वो कहता है कि मैं आतंकवाद को मिटाऊंगा, वो कहता है मैं ये कर जाऊंगा, वो कहता है मैं वो कर जाऊंगा। असल मायने में मेरे भाई वो कहते 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 तुम्हें खत्म कर देगा हिंदुस्तान से, तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा, तुम्हें कभी घर वापसी की बातें कराई जाएगी, कभी पाकिस्तान भेजा जाएगा, तुम ऐसे ही बढ़ते रहोगे फिरकों के नाम पर, और वो अपने मकसद में नरेंद्र मोदी कामयाब होता जाएगा मेरे भाई। आज वो एक गर्व करता है कि मैं मुल्क का वजीर आजम बन गया, लेकिन उसको ये नहीं पता मेरे भाई, मुल्क का वजीर आजम अगर आप इलेक्शन कमीशन इंडिया की रिपोर्ट उठाकर देखो मेरे भाई, तो पता यह चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिले मेरे भाई 2014 के इंतखाबात में, और 31% को आप वोटों में तब्दील करो मेरे भाई तो सिर्फ 17 करोड़ वोट होते हैं। 17 करोड़ वोट लेने वाला इंसान मुल्क का वजीर आजम बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाली सबसे बड़ी अक्सियत जो 25 करोड़ की आबादी में है मेरे भाई, इनकी कोई आवाज नहीं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं मेरे भाई। अगर तुम इत्तेहाद ले आओ तो खुदा की कसम उस दिल्ली की तहत पर हमारे स्वागत और बैठ नहीं सकता मेरे भाई, लेकिन जरूरत यह है कि आपको इत्तेहाद लाना पड़ेगा मेरे भाई। आज अफ्रीका पर ताकत है, हमारे मुल्क को जागीर और हम मुसलमानों को अपना गुलाम समझने लगी है मेरे भाई। ये कहती है ये मुल्क उनके बाप की जागीर और मुसलमान उसके गुलाम है। तो सुनो RSS वालों, सुनो विश्व हिंदू परिषद वालों, सुन नरेंद्र मोदी, सुन योगी आदित्यनाथ, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलवीर और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़द्दस की मुकद्दस बेटी हाइफा के बाजारों में बिकती, लेकिन नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इसराइली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तू कैसे ले देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। इन फिरका परस्तों से आजादी दिलाने के लिए आई है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मेरे भाई, इनके आंखों में आके डाल के सवाल करने आई है कि 70 सालों में हमारे साथ क्या नाइंसाफी की मेरे भाई। समाजवादी जिसका झंडा आप लेकर डालते हो मेरे भाई, मैं दिल्ली से आया हूं और आज मैं उस सरजमी पर खड़ा हूं, उस जिले में खड़ा हूं, मैं समाजवादी के इन ठेकेदारों से, इन दलालों से, मुलायम सिंह से, अखिलेश से सवाल करना चाहता हूं, जो हमारी रहनुमाई की बात करते हैं, जो हमारी क़यादत की बात करते हैं। अरे मुजफ्फरनगर चल रहा था, मुजफ्फरनगर में हमारे लोग बेघर हो रहे थे, हमारी माँ बहनों की आत्मा टूटी जा रही थी, हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा था, हमारे लोग तुमने कौन से अमलों में हमारी आवाज उठा दी। अरे लालच भेजिए ऐसे 70 मुस्लिम विधायकों पे मेरे भाई जो खामोशी सारे असेंबली में बैठे थे, ऐसे लोगों को कामयाब करके भेजते हो जो तुम्हारी माँ बहनों की, हमारी माँ बहनों की असमतें लुटती है तो लुटती रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दो दाढ़ी के नाम पर मारा जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें गाय के नाम पर मारा जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टोपी के नाम पर मारा जाए मेरे भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम ऐसे लोगों को कामयाब करते हो मेरे भाई। जरा सोचो, एक माँ, मेरी माँ बहनों तक आवाज जा रही होगी, मेरी माँ बहनें अगर सुन रही है, एक माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, अपने हिस्से का खाना उसे खिलाकर खुद सबर से सो जाती है,
उस मां पर क्या बीत रही होगी जब उसके जिगर का टुकड़ा ये कह के गया होगा कि मां मैं इस खुली फिजा में सांस ले लूं, मां मैं इस आजाद मुल्क में घूम ही रहा हूं। जब इस खुली फिजा में, इस आजाद मुल्क में इन जालिम हुक्मरानों के गुलाम ने उसके बेटे को मार दिया होगा और कोई आकर उस मां के कानों में कहता होगा, अरे तेरा बच्चा दर्द से तड़प रहा था, तेरा बच्चा दर्द से बहक रहा था, तो मेरे भाई उस मां का दूध कतरा कतरा लहू बनकर टपकता होगा, उस मां का दूध कतरा कतरा लहू बनकर टपकता होगा। लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम आवाज नहीं बन सकते मेरे भाई। आज रोहिंग्या के मुसलमान जिनको हिंदुस्तान से भेजा गया, कहा गया कि यह दहशतगर्द है, अरे तुम तो अपने लोगों को पना नहीं दे सके मेरे भाई। वो तुमसे सवाल कर रहे थे, वो एक उम्मीद की नजर से तुम्हें देख रहे थे कि तुम उसका सहारा बनोगे, तुम उनकी आवाज बनोगे। वो तुमसे कह रहे थे, अरे मुसलमानों हमने तो तुम्हें अपने कटे हुए गलों से पुकारा, हमने तो तुम्हें अपने पड़े हुए धड़ों से पुकारा, हमने तुम्हें लटके हुए सरों से पुकारा, हमने तुम्हारी हमारी माँ बहनों की अजमत की चीखों ने तुम्हें पुकारा, हमारे बच्चों की सिस्टियों ने तुम्हें पुकारा। मुसलमानों तुम हम पे भरोसा काहे रखिए। वो तुमसे कह रहे थे हमारा कसूर क्या था, हमारा कसूर क्या था, हमने तो कोई चोरी ना की, हमने तो कोई डकैती ना की, ना ही हमने ऐसा काम किया, ना कोई करप्शन, ना कोई गद्दारी, ना कतल सरेआम किया। हाँ हमने ईमान को नहीं बेचा, इस्लाम को निलाम नहीं किया, इससे ज्यादा हमने क्या किया। वो तुमसे कह रहे थे, अरे जब खुदा के मानने वालों ने मारा था, खुदा के मानने वालों ने बचा लिया होता, कोई तो होता मुसाफा का आशिक, किसी ने तो अपनी आगोश में छुपा लिया होता। और कहां गए अली मोहम्मद के किस्से सुनाने वाले, अरे किसी अली या किसी मोहम्मद को ही बचा लिया होता। लेकिन तुम उनका सहारा, तुम अपना सहारा नहीं बन सकते हिंदुस्तान में मेरे भाई, तो उनका सहारा कहां से बनोगे। देखो मेरे बहुत बड़े बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं छोटा हूं आप लोगों के आगे, बहुत बड़ी बातें निकल रहा मेरे भाई, ये दर्द बोल रहा है, मैंने अपने कौम के दर्द को बहुत समझा है, बहुत नजदीक से समझा है, ये दर्द बोल रहा है मेरे भाई, इस दर्द को समझो, इस जज्बात को समझो मेरे भाई, बिरादरी को छोड़ दो, मत देखो तुम्हारे सामने तनवीर चौधरी खड़ा है, तुम ये देखो कि तुम्हारे सामने कलमे का सही खड़ा है, तुम्हारे हक के लिए आवाज उठाना चाहता है, तुम्हारे लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहता है मेरे भाई। इस बिरादरी के पीछे मत भागो मेरे भाई, बिरादरी के पीछे भागते भागते मेरे भाई आज हमारी कौम का वो हाल हो चुका है मेरे भाई कि कोई हमारा सहारा नहीं, कोई हमारी आवाज नहीं मेरे भाई। और सादात भाई बता रहे थे कि संगीत सोम और संगीत सोम जो भी वो बोला कि ताजमहल गद्दारों की निशानी है, है? गद्दारों की निशानी है। अरे गद्दारों की निशानी बताने वालों मुझे ये तो बता दो कि गद्दारों को दामाद भी तो तुमने ही बनाया था ना, गद्दारों को दामाद तुमने बनाया था। अगर ताजमहल गद्दारी की निशानी है तो लाल किला भी गद्दारी की निशानी है, कुतुब मीनार भी गद्दारी की निशानी है, हर वो इमारत गद्दारी की निशानी है। तुम एक काम करो, इस गद्दारी की निशानी को हमें वापस कर दो, कम से कम उससे जो पैसा आता है हम अपने कौम का मुस्तकबिल संवार देंगे उस पैसे से। ये तो हमें हमारी गद्दारी की निशानी है, हम लेने को तैयार है। अरे हमें गद्दार बताने वालों, हमसे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मांगने वालों, अंग्रेजों की गुलामी करने वालों, अंग्रेजों को माफी नामा भेजने वालों, गांधी जी को मारने वालों, तुम हमसे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हो। अरे इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाओं ने इतनी कुर्बानियां दी है मेरे भाई, आज बैठे हैं यहां पर ये ताड़ी वाले, ये टोपी वाले, नमाज को पढ़ाने वाले, कुरान को पढ़ाने वाले, बच्चों को तालीम देने वाले, इन्होंने जब हमारा देश गुलाम था इन गोरे अंग्रेजों को हाथों, मेरे भाई जो मन के तो गोरे थे, तन के तो गोरे थे मेरे भाई लेकिन मन के काले थे, जब देश हमारा गुलाम था इन उलमाओं ने फतवा दे दिया था, कहा था मुसलमानों जिस तरीके से तुम्हारे लिए नमाज फर्ज है, जिस तरीके से तुम्हारे लिए रोजा फर्ज है, जिस तरीके से तुम्हारे लिए जकात फर्ज है, इसी तरीके से इन अंग्रेजों को भगाना भी फर्ज है, मुल्क की हिफाजत करना भी फर्ज है, इन अंग्रेजों को मारना भी फर्ज है। और आज जब इन गोरे अंग्रेजों को यह पता चला कि उलमाओं ने फतवा दे दिया है, तो मेरे भाई और गोरे अंग्रेज तिलमिला गए, घबरा गए और एक एक कर इन दाढ़ी वालों को, इन टोपी वालों को, नमाज को पढ़ाने वालों को, कुरान को पढ़ाने वालों को घर से निकाल निकाल कर सूली पर लटकाना शुरू कर दिया मेरे भाई। और खुदा की कसम हिंदुस्तान की सच्ची तारीख यह कहती है कि दिल्ली के लाल किले से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ न था जहां पर दाढ़ी और टोपी वाला लटका न था मेरे भाई।
जहां पर दाढ़ी और टोपी वाला लड़का न था, आज हम जब उनकी वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं, अरे हम जो बोले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बताओ मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे दिल में एक सवाल है, एक मैंने कभी ऐसा सोचता नहीं, ना ही कभी ऐसा करूंगा, लेकिन एक सवाल है इन हुक्मरानों से, गलती से, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर मेरे हाथों से किसी मंदिर की ईंट गिर जाए, तो क्या यह हुकूमत मुझे छोड़ेगी? क्या यह पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे? मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल देंगे मेरे भाई, मेरे पैरों में भेड़िया डाल देंगे और मुझे सजा दी जाएगी। तो इनसे सवाल करो, जब हमारे साथ ये हो सकता है तो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को तुमने सजा क्यों ना दी? बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अगर तुम अडवाणी के हाथों में हथकड़ी डाल देते, उमा भारती के हाथों में हथकड़ी डाल देते, अडवाणी के हाथों में हथकड़ी डाल देते, कटिहार के हाथों में हथकड़ी डाल देते, मेरे भाई बाल ठाकरे के हाथों में हथकड़ी डाल देते, तो खुदा की कसम आज ये लोग हिंदुस्तान में हुक्मरानी रनी ना कर रहे होते मेरे भाई, आज ये हिंदुस्तान के हुक्मरान बने हुए हैं, क्योंकि तुमने इन्हें खुली छूट दी, तुमने इसे पैदा किया, इसको पैदा करने वाला भारतीय जनता पार्टी को पैदा करने वाली कांग्रेस है मेरे भाई, ये वही पेट है जिसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया मेरे भाई। अरे ऐसी हालात पैदा करने से अच्छा था कि तू बांध रहती तो बेहतर था मेरे भाई, ऐसी हालात को पैदा कर दिया जो आज पूरे हिंदुस्तान को बांटने में लगी है, बांटने में लगी है, काटने में लगी है, छाटने में लगी है मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई असल मायने में उनको पता है तुम्हारे अंदर इत्तेहाद नहीं। आज बैठे हो तुम लोग यहाँ पर, मेरी आवाज जा रही है, देखो मैं यहाँ से बोल के चला जाऊंगा, तुम मेरी आवाजों को सुन लोगे, लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद अगर तुम वोट नहीं करोगे, अगर समाजवादी में जाओगे, बहुजन समाज में जाओगे, कांग्रेस में जाओगे, तो याद रखना फिर से बीच में से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी मेरे भाई। आज ये लोग बदनाम करते हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, अरे मेरे भाई असल मायने में अगर बीजेपी का कोई सामना कर रहा है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, और आज ये लोग हमें ही बदनाम कर रहे हैं मेरे भाई। क्यों मेरे भाई, आज ये लोग पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर एक नारा दे रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर सारे हिंदू एक हो जाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं अपने दलित भाइयों से, या तो तुम्हें वो हिंदू नहीं समझते, या तो तुम्हें वो कुछ समझते नहीं, अगर सारे हिंदू एक हो जाओ तो मैं पूछना चाहता हूं, जब मेरे दलित भाई आरक्षण के लिए लड़ रहे थे उसका विरोध करने वाला कौन था मेरे भाई? उसका विरोध किसने किया? तो वो हिंदू ही तो था, उस मुसलमान ने तो उस आरक्षण का विरोध नहीं किया। जब दलितों के गले में मटके और झाड़ू को लटकाया गया तो लटकाने वाला कोई मुसलमान तो नहीं था ना, वो हिंदू ही था। रोहित वेमुला को फांसी पर लटकने के लिए मजबूर करने वाला कौन था? वो हिंदू ही तो था ना, कोई मुसलमान तो नहीं। जब सहारनपुर में बाबा साहब की जयंती निकाली गई, पिशाची घरों को जला दिया गया, उन घरों को जलाने वाला कोई हिंदू ही तो था ना मेरे भाई, मुसलमान तो नहीं था। या तो तुम्हें हिंदू नहीं समझते मेरे भाई, या तो वो फिर भूल कर रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, और मेरे भाई एक होने के बाद तुम्हें भी पीटेंगे और हमें भी पीटेंगे, और वो पीटते आ रहे हैं मेरे भाई। कभी दलितों को मारकर वीडियो बनाई जा रही है, कभी मुसलमानों की दाढ़ी पकड़कर वीडियो बनाई जा रही है, कभी मुसलमानों को टोपी के नाम पर मारा जा रहा है मेरे भाई, कभी कभी दाढ़ी के लिए मारा मेरे भाई, कभी टोपी के लिए मारा, कभी दाढ़ी के लिए मारा, कभी टोपी के लिए मारा, कभी गाय के नाम पर हमारा खून बहाया। अरे सुनो सुनो, हमें मारने वालों तुम्हारे पंपों को सरे बाजार फोड़ जाएंगे, मिस्र इब्राहिम सुलमत की फुटों को तोड़ जाएंगे, और लश्कर 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 करेगा हमारी तालीमी की तस्वीरें, हम मरकर भी अपने जीने की खबर छोड़ जाएंगे, हम मरकर भी अपने जीने की खबर छोड़ जाएंगे मेरे भाई। इत्तेहाद लाओ मेरे भाई, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, वक्त की कमी है मेरे भाई, मैं आपको जाते जाते ये बताता जा रहा हूँ मेरे भाई कि जब आप सुबह उठो, मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनसे भी कह रहा हूँ, मेरे नौजवान साथी है उनसे भी कह रहा हूँ, मेरे बड़े बैठे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, जो मेरी माँ बहनें सुन रही है उनसे भी कह रहा हूँ, एक बार इत्तेहाद का पैगाम दो मेरे भाई, एक बार इत्तेहाद का पैगाम दो, खुदा की कसम कह रहा हूँ, कोई माई का जना नहीं होगा जो दाढ़ी के नाम पर मारेगा, या टोपी के नाम पर मारेगा, या गाय के नाम पर मारेगा मेरे भाई। और जाते जाते ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, आओ मेरी आवाज के साथ एक आवाज मिला दो,
आजाद मुस्लिम नारे तकबीर और फिरंदाबाद में मेरे भाई नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसाले। और जाते जाते मेरे भाई मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मेरे ख्वाबों को छीना है किसी ने, मैं सबकी खामोशी पर मुस्तैद हूँ, मेरे लहजे में सच का बातपन है, मैं अपनी कौम की जिंदा नसल हूँ, जिंदा नसल हूँ, खुदा वाना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।